हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए, सर्दियां अभी आने ही वाली हैं, बरसात तो स्टार्ट हो गई है, सर्दियां आने वाली हैं, तो चलिए हम सोचे सर्दियों की तैयारी शुरू कर दें। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बरा बनानी स्टार्ट की है। अभी हमने एक पार्ट इसका बना दिया है, अब हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। देखिए, ये हमने बेबी सॉफ्ट वूल ली है, एकदम सॉफ्ट, थोड़ी सी बारीक भी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है थोड़ी बारीक से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हमने 20 चेन बनाई है, तो 20 चेन बनाने के बाद हमने इसको आगे बढ़ाया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए हम 20 चेन अभी यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपके पास अगर मोटी ऊन है तो आप मोटी ऊन से भी बना सकते हैं, बारीक है तो बारीक से भी बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। और हमने उनके हिसाब से यहाँ पर 1.75 ये देखिए mm का क्रोशिया लिया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। अब हम 20 चेन डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हमने 20 चेन बनाई। तो देखिए, हमने 20 चेन बनाई। अब हम क्या करेंगे, एक और दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये तीन हो गए, तीन का हमने दो कर दिया, दो का एक कर दिया, फिर इसके ऊपर क्रोशिया लेंगे, फिर हम तीन का एक करेंगे, तीन का दो करेंगे, दो का एक करेंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी जो चेन है उसको हम इसी तरह से इसको बनाएंगे, तीन का दो, दो का एक, इस तरह हम अपना यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको छोटे साइज़ का बनाना है, या अगर आपकी ऊन समझिए मोटी है तो आप 20 चेन की जगह एक दो चेन कम कर दीजिए। अगर इसे छोटा बनाना है तो भी आप 20 की जगह 18, या अगर मोटी ऊन भी है तो 16 बना लीजिए, डाल लीजिए चेन, क्योंकि ऊन जितनी मोटी होगी उतना साइज़ में बड़ा हो जाता है चीज़, चाहे वो ये हो, बड़ा हो, चाहे वो सॉक्स हो, चाहे स्वेटर हो, या टोपी हो, कुछ भी हो, ऊन मोटी होती है तो वो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके लिए हमको, चाहे हम सिलाइयों से बनाएं चाहे क्रोशिये से बनाएं, हमको थोड़े से दो तीन फंदे उनके हिसाब से कम डालने पड़ते हैं। हमारी थोड़ी सी मोटी होती तो हम 20 की जगह 18 डालते, और बारीक होती इसे भी तो 20 की जगह हम 22 डालते, 22 डालते, अभी हमने 20 डाले। देखिए, अभी सब में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिये से पूरा लाइन कंप्लीट कर दी। हमको एक एक चेन में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, कहीं भी हमको ये देखेंगे डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाना है, डबल कहीं नहीं बनाना है। एक एक चेन में हमने ये देखेंगे, ये हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दिया, एक हमने डाला है, और यहाँ पे अब समझो 18 हुए, 18 के बाद हमने एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया बना दिया। देखिए, अब हम इसमें दो चेन बनाएंगे और उसी में हम वापस से हम जहाँ पहले बनाया था उसी में हम फिर से दो चेन, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह आप देखेंगे, देखिए इसमें हमने दो डबल क्रोशिया बना दिए, फिर दो चेन डाली, फिर दो डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम सब में वापस से एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ही हमारे ऊपर गोलाई सी आ जाएगी। इस तरह हम पूरा लाइन में आप देखेंगे डबल क्रोशिया, एक एक चेन में एक एक,
हमने डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए ये हमारी चेन है, यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे इसको। अब हम ये साइड पे आ गए, हम पहला वाला छोड़ के चेन इसमें वापस एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए हम यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हमने जहाँ तक हमने दो चेन बनाई थी वहाँ तक हम सब डबल क्रोशिया के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ये हमारा डबल क्रोशिया गया। अब हमने यहाँ दो चेन बनाई, आप देख रहे होंगे ये हमने दो चेन बनाई थी। अब यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, दो, फिर हम दो चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे उसी होल में हम फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी में वापस से उसी में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए, बीच दो दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन आ गई, फिर दो डबल क्रोशिया हो गए। अब हम वापस से ये देखिए वापस से सब में एक एक डबल क्रोशिया के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने ये ऑफ वाइट कलर दिया है, क्रीम कलर, आप अपने किसी भी कलर से बना सकते हैं। अगर स्वेटर बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी भी अपना वूल बच जाती है तो आप उसका भी बना सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट तक हम करके आपको दिखाते हैं। हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम ये देखिए जहाँ यहाँ हमने डबल क्रोशिया बना दिए, फिर हम दो तीन चेन बनाएंगे, फिर पलटी करेंगे और एक पहला वाला चेन छोड़ के अगर हम पहले वाली चेन में डालेंगे तो ये हमारा इस तरह से साइड को बढ़ता जाएगा। इसलिए एक पहली चेन छोड़ के इसमें हम वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह जहाँ तक हमने दो डबल क्रोशिया चेन बनाई है वहाँ तक हम बना के आपको फिर दिखाते हैं। देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में फिर हमने जो दो डबल क्रोशिया बनाए थे दोनों के ऊपर फिर से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए हो गए, ये देखिए अब हम ये जो हमारे पास दो चेन है उसके अंदर वापस से एक डबल क्रोशिया और उसी में वापस से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक दो, दो चेन बनाई और उसी के अंदर ये जो हमारा होल बना हुआ है इसी के अंदर हम फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, और फिर हम यहाँ पे एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक फ्रेंड इस तरह हम यहाँ पे नौ लाइन डालेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गई और यहाँ से गिनेंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हमने इधर डाली और इसी तरह दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसी तरह हमने यहाँ पे भी नौ नौ लाइनें डाल दी है। देखिए इस तरह से हमारी शेप आ रही है। तो अभी हम आपको ये नौ लाइनें पूरी करके फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमको क्या करेंगे। देखिए इसको भी हम पूरा इसी तरह से हम बना लें। देखिए आपको अगर इससे भी बड़ा साइज़ बनाना है तो आप 10 लाइनें डाल लीजिए और अगर छोटा साइज़ बनाना है तो 8 डाल लीजिए। फिर लास्ट में हम लोग आ गए हैं, हम लास्ट में आ गए। इस तरह भी हम काउंट करेंगे, हमने यहाँ पे काउंट किया था, इसमें नौ नौ लाइन हमने डाली थी। देखिए ये हमारा सेंटर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये नौ। इसी तरह हम इस साइड भी गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच,
छः सात आठ नौ, नौ नौ लाइन हमने यहाँ डाल दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी हम यहाँ धागा काट देंगे, ये देखिए। अब हम देखिए रेड कलर का धागा लगाएंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब किसी भी साइड इसका सीधा उल्टा देखिए एक जैसा ही है। आप जो साइड में चाहे लगा सकते हैं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं, क्योंकि एक बार उल्टी साइड से बनता है और एक बार सीधी साइड से। अब हम यहाँ पे रेड कलर का धागा लगाएंगे, ये देखिए। अब चाहे तो यहाँ गांठ लगा लें, नहीं तो यहाँ पे हम अभी ये देखिए यहाँ से एक चेन डाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखिए एक चेन छोड़ के दो दो चेन हमने यहाँ पे एक और दो दो चेन छोड़ी, और यहाँ पे अभी हम एक उसी में हम वापस से दो और ये तीन तीन डबल क्रोशिया हमने यहाँ डाल दिए। अब एक चेन बनाएंगे, फिर वापस से उसी में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो, ये हमने तीन, क्योंकि तीन डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और दो दो चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब फिर हम एक चेन दो चेन छोड़ेंगे, अब देखिए एक दो तीन, फिर एक चेन बनाएंगे उसी में वापस से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर हम एक और दो चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन पे हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और फिर वापस से हम एक और एक दो दो चेन छोड़ेंगे, देखिए इसी तरह हम देखिए दोनों साइड में हमने बनाई है, इसी तरह हम इसमें भी यहाँ तक बना लेंगे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड में इनकी किनारी बना दी। अब हमारा यहाँ पूरा हो गया। अब हम यहाँ से धागा काट देंगे, छोटा सा रख के ही हम काटेंगे। देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो तीन चार पाँच छः सात हमने इधर डाल दिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात हमने सात सात किनारे डाल दिए। देखिए इस तरह से ये हमारा जो है आप देखेंगे एक दोनों पार्ट हमारे बन गए। अब हम इस तरह भी करेंगे, अगर आपको नापना भी होगा इस तरह भी करें। ये देखिए यहाँ ऐसे रखें और इसको ऐसे रखें, तो देखिए हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो एक जैसे हमारे हो गए। तो अब हम नीचे से इनका बेल्ट बनाएंगे। अब बेल्ट बनाने के लिए यहाँ से हम चेन बनाएंगे, इनके लिए एक हम चेन गिनेंगे नहीं, हम इसको इंची टेप से नापेंगे। देखिए अपने साइज़ के हिसाब से जितना भी जिसका साइज़ हो उससे आप एक डेढ़ इंच छोटा ही लीजिए, क्योंकि वूल है वो फैल भी जाती है, खींचती है तो फैल जाती है, पहनने के टाइम पे खींचेगी तो फैल जाएगी। इसके लिए हम इनको नापते आपको चेन बना के फिर दिखाते हैं कि हमको कितनी लंबी चेन बनानी है। तो चलिए पहले हम चेन बना लें, फिर आपको दिखाते हैं कि कितना लंबा हम चेन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 36 इंच की चेन बना ली है। सॉरी, ये देखिए अब हम यहाँ से नापेंगे। हमने अब ये नापने अपने हिसाब से नाप के अब हम कुछ 36 इंच चाहिए, बाकी की जो होगी वो हम एक्स्ट्रा होगी तो हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से
इतना हमारे पास ज़्यादा है, अब हम इतनी चेन निकालते हैं। तो अब हम क्या करें, यहाँ ये देख रहे हैं हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हम यहाँ पे इस तरह से पूरे में हमने डबल क्रोशिया एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए, इसको हम ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमने एक दो तीन तीसरी वाली चेन पे हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हम यहाँ सेंटर में पहुँचे। अभी हम एक चेन जहाँ बनाई थी वहाँ सेंटर में पहुँच गए। अब हम एक दो और तीन तीन चेन बनाई और यहाँ पे हम वापस से ये देखिए से हम देखिए हमारी एक चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक दो एक हमने बना लिया है, एक चेन का हो गया, दो हो गए, ये तीन, ये हमारा चार, चार डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन बनाई, उसके बाद फिर से एक दो तीन चार। अब नेक्स्ट में डालेंगे एक दो तीन चार, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से एक दो तीन चार, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह हम ये देखिए, ये हमारी दूसरी रो स्टार्ट हुई है। इसी तरह हम तीन लाइन डालेंगे, एक दूसरी स्टार्ट है, एक और। चलिए तीन लाइन बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं, यहाँ से भी हम कि लास्ट वाला हम बनाएंगे इसको, एक दो तीन चार, फिर एक चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार। ये हमने यहाँ पे तीन चेन बनाई थी, एक दो तीन, तीसरी वाली पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर ये देखेंगे। अब ये हमारा ठीक है, जो सर्कल है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने देखी, ये दोनों पार्ट हमने बना लिए थे, हमने इस साइड में ये लगा दिए सॉरी। अब हम ये साइड भी लगाएंगे, ये देखिए, ये जितना हमने ये देखेंगे, यहाँ पे हमने एक दो तीन और ये साढ़े तीन, साढ़े तीन में हमने लगा दिया। अब यहाँ भी हम एक दो तीन और ये साढ़े तीन, इधर भी हम इसी तरह से लगाएंगे। तो चलिए इधर भी हम लगा के आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से भी इसी तरह से हम ले लेंगे। और हम इसको भी इसी तरह रखेंगे, ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम साथ में अंदर की साइड में ले लेंगे। चलिए जिस तरह इधर लगाया है
उसी तरह हम इस साइड भी आपको लगा के दिखाते हैं, इस साइड भी कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से भी हम इधर से और यहाँ से इस तरह से लेंगे, इस तरह से हम यहाँ से भी एक बार वापस से लेंगे। इस तरह से ये हमारा, आप देखेंगे तो ये हमारे ये जो कप्स हैं ये तैयार हो गए हैं। देखिए यहाँ से हमने ज्वाइंट कर लिया, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार, चार चार पे हमने इधर इसको लगा दिया। अब हम यहाँ पर ये वाला जो धागा है वो काट देंगे, यहाँ से काटेंगे। अब हम बाकी के ये वाले गिनेंगे, हमारे पास एक कितने बचते हैं उस हिसाब से हम उसका सेंटर करेंगे। देखिए ये छोड़ देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, बाईस हमारे पास हैं। अब हम 11 में सेंटर करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये हमारा सेंटर हो गया। ये देखें यहाँ पे हमारा सेंटर है। अब हम यहाँ पर चाहे तो आप देखिए इसके साथ में ही बेल्ट बना लीजिए, यहाँ पे निकाल के चाहे आप अलग लगा के सिलाई कर लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अलग लगा के इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस, इस तरह हम आपको चेन बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ 14 इंच की चेन बना लिया। ये देखिए यहाँ से थोड़ी कम है, हम और बना लेंगे। 14 इंच की हम चेन बना के देखिए इस तरह हमने 14 इंच की चेन बना ली। अब हम ये देखिए नापेंगे इसको, ये देखिए 14 इंच हमारी पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, चौदह इंच डाली, अब हम यहाँ से एक और दो चेन छोड़ के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ इस तरह से देखिए, दो में से का एक किया, ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाता है। इस तरह हम पूरी लाइन सिंगल क्रोशिया की बना लेंगे। तो चलिए पूरा करके हम आपको बताते हैं। देखिए सिंगल क्रोशिया होता है कि डबल क्रोशिया में हम पहले इस तरह धागा लेते हैं और फिर तीन का दो, दो का एक करते हैं। सिंगल क्रोशिया में हम सिर्फ ये एक ही लेते हैं, ये देखिए, और दो का एक कर देते हैं। इस तरह हम एक एक चेन में ये देखिए दो किए, धागा लेके दो किए, दो का एक किए। फिर नेक्स्ट देखिए फिर लास्ट में आ गए हम। अब हम लास्ट में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम देखिए यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ से ये जो साइड में हमने दूसरा लाइन है हमारी, ये देखिए इसको भी हम यहाँ पे
एक एक में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये जो हमारे पास ये चेन का है इसमें हम वापस से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए एक एक में एक ही बार बनाना है, दो बार नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह हम ये अपनी लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमारा इतना चौड़ा आएगा। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं पूरी लाइन। फिर उसके बाद कैमरा हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे बंद कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे धागा काट देंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है बॉर्डर स्टेप के ऊपर, इसी तरह हम यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम देखिए इस तरह से हम यहाँ से एकदम किनारे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे, एक दो और तीन, तीन हमने चेन डाली और यहाँ पर उसी में हम वापस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए उसके बाद एक दो तीन छोड़ेंगे चेन, तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरह ज्वाइन करेंगे। देखिए फिर से देखिए एक दो और तीन, तीन चेन बनाई और वहीं पे हमने जहाँ से हमने निकाला था चेन बनाई वहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो तीन, तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक दो तीन, अब इसको हम वापस वहीं निकालेंगे और यहाँ पे हम तीन का दो, दो का एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो तीन, तीन छोड़ के चौथी चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। चलिए दोनों साइड बढ़ा के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड लास्ट में आए, यहाँ भी हम एक तीन, अब इसको हम इस तरह पकड़ेंगे एक दो तीन, यहाँ से स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन करेंगे। एक दो तीन, उसके बाद एक यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको मोटा और बड़ा बनाना हो तो आप दो भी बना सकते हैं, दो बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। देखिए इस तरह से ये हमारा जो है स्टेप है जो दोनों तैयार हो गए। अब हम यहाँ से देखेंगे धागा काट देंगे। इस तरह हमारे दोनों स्टेप तैयार हो गए। देखिए अब हम स्टेप तो बाद में लगाएंगे, अब हम यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारी यहाँ नीचे की साइड में और ऊपर है यहाँ पे और ऊपर की साइड में, हम इसी तरह से ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया है इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। देखिए फ्रेंड अब हम यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ क्रोशे बनाए हैं अब हम यहाँ भी इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एक दो और तीन, एक हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे दो बार पर एक हमने चेन का गिन लिया और एक हमारा दो बार हमने डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने यहाँ तीन तीन बार बनाए हैं, इसी तरह यहाँ भी तीन बार बनाएंगे। एक हो गया, एक दो ये तीन। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर हम इसको यहाँ निकालेंगे एक दो और तीन,
फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक दो तीन। अब हम यहाँ पे वापस से स्लिप ज्वाइंट कर, देखिए इस तरह से हम अपना ये बनाएंगे। अगर आपको ये देखिए टाइट लगे तो आप तीन की जगह यहाँ चार भी डाल दीजिए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए चलिए हम चारों तरफ इसका सर्कल पूरा यहाँ तक हम इसको बना के आपको दिखाते हैं, यहाँ तक बनाएंगे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं, हमने पूरा बॉर्डर बना लिया है। अब हम यहाँ पे लास्ट का बना के ये देखिए यहाँ पे हम इसको बना के अभी बंद करेंगे। देखिए एक दो तीन, एक चेन बनाए, फिर से तीन, एक दो तीन। यहाँ पे हम यहाँ इस पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा जो बैलेंस पूरा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इस तरह धागा काट देंगे। अब ये सब धागे हम अंदर करेंगे, ये देखेंगे। अभी हमारा यहाँ से ये हमारी बैक साइड हो गई, बैक साइड है, ये देखेंगे इस तरह। और ये हमारी यहाँ से फ्रंट साइड हो गई है। अब हम यहाँ इनके स्ट्रैप बनाएंगे। देखिए स्ट्रैप हमने दोनों पहले ही बना के रख लिए हैं। यहाँ पे अभी हम सुई धागे से इनके स्ट्रैप की सिलाई करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको सी के कैसे सिलाई करनी है अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीधा साइड है और ये हमने यहाँ से ये हमारा सेंटर है। हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और इसको जो है सीधा रखेंगे। इस तरह से रख के, ऐसे तो क्रोशे में सीधा उल्टा नहीं होता, लेकिन इसकी जो चेन दिखती है उससे हमारा सीधा उल्टा पता लगता है। ये देखिए इसको हम इस तरह यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ रख के। देखिए पहले तो हम यहाँ इसको गांठ लगाएंगे। आप जिस भी कलर से आप यहाँ पे बॉर्डर बनाए उसी कलर से आप सिलाई करें। आप अपने हिसाब से किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। इस तरह इसको हम अच्छे से टांके लगाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो निकले नहीं। इस तरह हम यहाँ एक बार गांठ लगाएं। अब हम यहाँ डबल गांठ लगाएं। डबल गांठ इसलिए लगाते हैं कि सिंगल गांठ खुलने का भी चांस रहता है। और ये देखिए जब भी आप ये हमने गांठ लगा दी, कभी भी आप गांठ लगा के यहाँ किनारे से मत काटें। किनारे से गांठ काटने से क्या होता, बहुत जल्दी धागा खुल जाता है। इसके लिए थोड़ा सा लंबा रख कर फिर आप इस तरह धागा काटें। ये देखिए इस तरह से हमने ये साइड लगा दी कि ये हमारे कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक साइड देखेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे सेंटर लगाया था, ये हमारा सेंटर का धागा है। अब हम यहाँ से ये देखिए यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन छोड़ के ये देखिए एक दो तीन, तीन ये छोड़ के हमारे डबल क्रोशे जो बनाए हुए हैं
चौथे वाले में हम इस तरह से इसका स्टेप बना देंगे। ये देखिए, अगर आपको यहाँ नज़दीक ज़्यादा रखना है, देखिए एक हम इस साइड में तीसरे में रखेंगे और एक हम दूसरा साइड भी हमने लगा दिया है, एक दो तीन, और यहाँ पे रखेंगे। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा चौड़ा है तो आप यहाँ पे देखिए, टोटल एक दो तीन चार, ये सेंटर है हमारा, सेंटर है, तो सेंटर के दो आप इस साइड छोड़ दीजिए और दो इस साइड छोड़ दीजिए। तो चलिए दो छोड़ के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से भी, ये जो हमारा लाल वाला है उसके साथ में हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। बाद में हमारे पास जितने धागे हैं वो सब हम क्रोशे से अंदर की साइड में कर देंगे। देखिए इस तरह से, आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो हम जब यहाँ से लगाएंगे तो ये जो हमारी पट्टी है सीधी आनी चाहिए। और ये जो है ये हम बैक साइड में ही रखेंगे। इसको अच्छे से हम पक्का करेंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम इस साइड भी, दूसरी साइड भी लगा देंगे। देखिए यहाँ भी हमने एक और दो छोड़े हैं, यहाँ भी एक दो दो छोड़ के तीसरे वाले में हम इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से भी हम इस तरह पक्की सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो धागा है वो सिलाई जो है खुले नहीं।
ये भी हम सारे धागे अंदर करके दिखाते हैं। स्ट्रैप वगैरह भी लगा दिए, सिलाई कर दी। आशा है आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।